हेलो एवरीवन, आज हम प्लैनेट आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में एक और टेस्टिमोनियल जो है वो शूट करेंगे। बट इस टेस्टिमोनियल में जो है वो कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, जैसे कि बहुत अच्छे से जो पेशेंट के आजमाए हुए डाइट टिप्स हैं वो आपको इस टेस्टिमोनियल के थ्रू जो है वो पता लगेंगे। तो हमारे साथ यहाँ जो है एक फुल्ली क्योर्ड 100% रिलीफ जिन पेशेंट को है वो है। वेलकम सर। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम गौरव है और नोएडा से मतलब आया हूँ मैं। नोएडा से बिलोंग करते हैं आप? ओके। तो सर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के कब से नोन पेशेंट थे? मुझे फरवरी 2020 में मतलब हुआ था। नाइट में जैसे प्रॉब्लम होनी शुरू हुई तो सुबह ही मैं मतलब तुरंत ही मतलब देर नहीं की थी मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरीके से लग रहा था मेरे को कि कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम है ये, क्योंकि बार बार स्टूल आ रहा था और ब्लड आ रहा था, उसमें म्यूकस आ रहा था। तो तुरंत ही मैं वहाँ हमारे वहीं पर नोएडा में एक डॉक्टर हैं गेस्ट्रोलॉजिस्ट, उनके पास गया। तो उन्होंने मेरे को मतलब सुबह ही में तुरंत ही, तो उन्होंने उस टाइम टेस्ट नहीं किया, उन्होंने बोला कि कुछ सीरियस मतलब इशू है, पहले आपका सिग्मेंडोस्कोपी बोली उन्होंने, शाम को जाँचों की। एक टेबलेट उन्होंने उस टाइम पर दे दी थी जो ब्लड को रोकेगी, क्योंकि ब्लड काफ़ी आ रहा था अचानक से। फिर क्या हुआ, आ करके वो ले ली मैंने, लेकिन शाम के लिए 5 बजे के आसपास उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारा टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए मैं पहुँचा तो फिर उन्होंने मतलब बोला कि क्या कहते हैं, ये आपको प्रॉब्लम है और लंबा ट्रीटमेंट चलेगा आपका, इसके लिए बायोप्सी मिले, बोले यही निकलेगी अगर होता है तो। बायोप्सी बाद में आई थी, उन्होंने उस दिन से ही मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी, इसमें मेसोकॉल था और एक दो तीन मेडिसिन और थी उसमें। मतलब आपको उसी टाइम उन लोगों ने जो है वो बता दिया था हाँ कि कि आपको ये जो यही है है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस कोलाइटिस है है। और सिग्मोइडोस्कोपी जब की थी उसके हाँ बाद बताया हाँ था, उसी के बाद बताया उसके था बाद बताया था कि आपको कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस है। है। ठीक है। और जो मिसाकोल है वो कितनी डोज से आपको स्टार्ट की ट्वेल्व थी? हंड्रेड एम जी 1200 mg में थी, ओके। दिन और में एक बार, दो बार? मतलब 2 सुबह 1 रात को। 2 सुबह 1 रात को, हाँ मतलब जी 2400 mg आप सुबह खा रहे थे हाँ, और ट्वेल्व हंड्रेड एम और जी रात को, 1. जिसमें और फॉलफिट टेबलेट थी एक, इस टाइप की 3-4 मेडिसिन थी उनके उसमें। ठीक है। 1.2 जो 1 वीक के बाद सिर्फ मेसाकोल और वो रह गई थी, वो लगातार चली थी मेरी। किसी तरीके के इम्यूनो सप्रेशन पे आपको तो नहीं उस डाला? पर नहीं डाला था अचानक से, क्योंकि ये था कि वो मेडिसिन दे दी थी और फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद ही क्या हुआ कि दूसरे तीसरे दिन से नॉर्मल होना शुरू हो गया था वो। तो टोटल कितने स्पैन के लिए आपने जो है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट सीख किया है? एलोपैथिक तो पूरा 1 ईयर किया है। पूरा 1 ईयर किया है। हाँ कुछ स्पेसिफिक आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते लेते ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स स्टार्टिंग में नोटिस जिस हुए जैसे जिस दिन हो? से लेना शुरू किया था उस दिन से ही बहुत ज़्यादा एसिडिटी और मतलब घबराहट बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। मतलब बहुत भारी रहता था पूरा चेस्ट सर, और ऐसा लगता था मतलब गुमसुम गुमसुम सा रहना पड़ता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, अंदर से मतलब बिल्कुल अकेले अकेले रहने का फील करता था उस टाइम पे। तो तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक टेबलेट दी थी, फिर उन्होंने मतलब उसकी डोज 2 टेबलेट दे दी थी सुबह खाली पेट, उससे उसमें थोड़ा रिलीफ हो गया था। मतलब जो आपको अकेले रहने का मन कर रहा हाँ था मतलब बहुत या ज़्यादा फिर बहुत ज्यादा चेस्ट, डिप्रेसिंग सा आपको या हाँ सैडनेस सी फील हो रही थी, उस चीज हाँ के लिए आपको अलग से जो है वो मेडिसिन दे मेडिकेशन दी दी थी। गई हाँ थी एलोपैथ एलोपैथिक डॉक्टर्स की नहीं। तरफ? हाँ ओके ओके। सो जैसे कि इन्होंने बताया, अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स को जो है वो देखें तो ये सबकी जनरल जो है एक दिक्कत रहती है कि जब उनको स्टार्टिंग में पता लगता है कि उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। क्यों? मेंटल क्योंकि प्रॉब्लम बहुत हो जाती है उसमें, डिप्रेशन टाइप का, मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं, क्योंकि जब आप ही हर चीज़ अपने आप को देख रहे होते हो और डॉक्टर भी आपसे ये बोल देते हैं अचानक से, पहले तो बोलते हैं कि 6 मंथ में हो चलेगा ट्रीटमेंट, उसके बाद वो धीरे धीरे आपको यही बोल देते हैं कि आपको हमेशा खानी है मेडिसिन अब ये ऑल टाइम, तब ज़्यादा और ज़्यादा हो जाता है इंसान को। और बीच बीच में सिम्टम क्या होता है कि बढ़ भी रहे होते हैं, कम तो होते हैं एलोपैथिक से लेकिन वो ठीक नहीं होते। उसमें क्या होता है कि 1-2 महीने के बाद अचानक से आपको फिर किसी ना किसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक तो डाइट चार्ट फॉलो नहीं कराते कभी कोई, वो हमेशा ये उनसे पूछा था कि कोई चीज़ अगर अवॉइड करनी है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, आप जो मर्जी हो वो खाइए उसमें, बस स्पाइसी थोड़ा कम खाना, बाकी कुछ भी खाओ उसमें, उन्होंने ये बोल दिया था डॉक्टर ने हमें। मतलब कोई मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए किसी के मना लिए नहीं ना, किया था? मैंने किसी चीज़ इवन के लिए पूछा मना भी नहीं? था इसके लिए, क्योंकि यहाँ के बारे में तो मुझे पता नहीं चला था प्लैनेट आयुर्वेदा में, लेकिन क्या कहते हैं जब मैं वीडियो देख रहा था
तो क्या कहते हैं बाबा रामदेव का वीडियो दिखा था, उसमें उन्होंने दूध वगैरह मना किया था। तो मैंने उनसे ये बात पूछी भी थी डॉक्टर से कि सर इसमें मिल्क वगैरह मना, बोले नहीं नहीं ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, क्या कहते हैं कोई मिल्क वगैरह कुछ नहीं, सब जो मर्जी है वो खाओ, बस स्पाइसी थोड़ा तीखा मत खाना, इतना बोला था उन्होंने। अब जैसे कि इन्होंने बताया, ये एक तरीके की हम जो है वो पेशेंट्स को लैक ऑफ नॉलेज भी समझ सकते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें कौन सी चीज़ जो है वो अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ इनटेक करनी है। सारे सिम्टम्स के साथ जूझते जूझते लास्ट में उन्हें नो डाउट एक डिप्रेसिंग सी फीलिंग भी आती है, हाँ बिकॉज ऑब्वियसली अगर किसी को बार बार जो है वो वॉशरूम यूज करना पड़े, ऑब्वियसली किसी को बार बार जो है वो अपने स्टूल में ब्लड दिखाई दे, ब्लड फ्रेश ब्लड देख के तो वैसे भी किसी का प्रॉब्लम दिल उसी से बैठ तो ज्यादा जाए, प्रॉब्लम हो जाती है। किसी का भी दिल बैठ जाए और इंसान एक्चुअली तंग हो जाता है। तो सर आपको अपनी फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा इस सारी एक्चुअली क्या सिचुएशन हुआ था में? कि फैमिली से मैं स्टार्टिंग में तो बाहर रहता था, तो मैं शुरुआत में तो छिपा रहा था उनसे सारी चीजें, किसी को कुछ बता नहीं रहे थे। मैंने यही बोल दिया था कि थोड़ा बहुत ऐसे ही है, क्या कहते हैं वो ठीक हो जाएगा, मतलब उन्हें इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं था मैंने। काफ़ी टाइम के बाद जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी, या मतलब वहाँ जाने पे भी, घर पे जाने पे पेट में दर्द रहने लगता था, तो फिर पूछते हैं सब लोग कि क्या प्रॉब्लम है, बार बार स्टूल भेज जाना, तो फिर बताना पड़ा था घर में तो फिर कि हाँ। आपके घर वालों का एग्जैक्टली मतलब क्या रिएक्शन था, तो कैसे घर से में जब बात सपोर्ट ये किया है कि घर उन्होंने में आपको? फादर, कुछ साल पहले ही फादर की डेथ हुई थी मेरे, तो वो तो थे नहीं, मम्मी थी अकेली, तो उन्हें बताया, तो अब वो इतनी एक ज़्यादा वो है नहीं, सब जो कुछ करना था करना मेरे को ही था। वो उन्होंने बोला यहाँ भी दिखा दें, तो मैंने कहा मान लो बरेली से है ना, मैंने तो मैंने कहा कि बरेली में मान लो डॉक्टर जो दिल्ली में और यहाँ है वो तो वही देंगे मेडिसिन, तो वही चलानी है उसमें, क्योंकि अलग से मेडिसिन तो कोई भी डॉक्टर उसमें चलाता नहीं है एलोपैथी वाला। तो मैंने उनसे मना कर दिया, मैंने कहा यहाँ रहना तो दिखाने को, मान लो जो मेडिसिन वहाँ चल रही है वो लोग उनसे ज़्यादा है, वो जो डॉक्टर हैं बड़े हॉस्पिटल्स में बैठते हैं और उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगा, उनके पास ज़्यादा पेशेंट आते होंगे। तो फिर मैंने कंटिन्यू ट्रीटमेंट यहीं का कंटिन्यू रखा था, नोएडा का ही, वहाँ दिखाया नहीं था। तो जबकि वो कह रही थी चलो यहाँ भी दिखा देते हैं, तो फिर मुझे तो पता लग ही रहा था कि यहाँ भी चल, क्योंकि जितने भी चीज़ें लोगों से नॉलेज ली थी वहाँ पे भी दो डॉक्टर्स देखे थे मैंने, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, दोनों का सेम था उसमें। हाँ, यूजुअली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट है जो एलोपैथिक डॉक्टर्स फॉलो करते हैं वो सेम ही है, यूजुअली सेम रहता सेम है रहता है। कि मिसाकोल जो है वो देंगे, हाँ वेरिएशन ऑफ डोज हो सकती है, और उसके बाद जो है अगर मिसाकोल से बात नहीं बनती है तो स्टीरॉयडल डोजेस होती हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं जैसे कि एजोरान है, एजाथियोप्राइन, ऐसी सी चीज़ें जो हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन में जनरली इंक्लूडेड होती हैं। तो फाइनली फिर आप प्लैनेट आयुर्वेदा फिर के मेरे कांटेक्ट को में कैसे आए? लॉकडाउन लग गया था उसी टाइम पे, ठीक है। लॉकडाउन के बाद प्रॉब्लम बढ़ने लगी, और ये भी नॉलेज नहीं थी क्या होता, तो अब ये पता नहीं था कि किस खाने से बढ़ रहा है किससे कम हो रहा है, क्योंकि मान लो अब मीठा भी इसमें अवॉइड करना होता है, अब हम खा ले रहे थे तो ये पता नहीं चलता था। फिर एक मतलब वैसे ही लेटे हुए वीडियो देख रहे थे इसका, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ट्राई किया था उन्होंने भी, मर्क कॉर करके टेबलेट मेडिसिन थी वाले, उनकी कंसंट्रेटेड होती हैं, लिक्विड हाँ मेडिसिन्स होती लिक्विड हैं। मेडिसिन थी वो दी, बट उससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, जीरो। फिर क्या हुआ कि वीडियो देखा था, तो एक न्यूज़ चैनल का वीडियो पड़ा हुआ था सर का, विक्रम सर का, तो वो जब बोल रहे थे कि हाँ ये ठीक हो जाता है और ऐसे ऐसे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कॉल कर लेते हैं एक बार। तो मैंने वेबसाइट पर कॉल किया, तो यहाँ से कोई डॉक्टर थी उन्होंने मतलब वहाँ से प्रिस्क्राइब कर दिया, और मेडिसिन मैंने ऑनलाइन मंगा ली थी लॉकडाउन में ही वहीं पे। तो मतलब जब आपने मेडिकेशन प्लैनेट आयुर्वेदा की आयुर्वेदिक मेडिकेशन आपने स्टार्ट की तो आपने एलोपैथिक मेडिकेशन एकदम से छोड़ नहीं दी? नहीं कंटिन्यू रखी थी, मैंने पूछ लिया था इन्होंने, तो अच्छा इन्होंने बोला था कि 1 घंटे के ना गैप के बाद ले लें। से पहले तो मैंने यही पूछा था कि दोनों साथ में कर सकते हैं नहीं, तो उन्होंने कहता कि क्या कहते हैं नहीं दोनों कंटिन्यू कर सकते हो, बस गैप कर देना बीच में थोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, तो पहले क्योंकि नाश्ते के बाद वो थी जो सुबह वाली उसकी मैसा कॉल, तो दोपहर को जब मैं खाना खाता था उसके बाद इसको लेता था ये। तो व्यूवर्स को मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगी कि जनरली क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में, पेशेंट्स ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं मॉडर्न मेडिकेशन ले लेके, बट देयर इज़ वन थिंग कि आप एकदम से उस मॉडर्न मेडिकेशन को बंद नहीं कर सकते। अगर आप एकदम से बंद करेंगे तो आपके सिम्टम्स जो हैं जनरली फ्लेयर अप हो जाते हैं और उसके बाद आपकी दिक्कत बढ़ती है घटने की जगह। तब आप आयुर्वेदिक मेडिकेशन साथ में लेते भी रहें, डाइट आप साथ में फॉलो करते भी रहें, तो भी आपको एक बहुत इंस्टेंटली जो आप रिजल्ट देखना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता।
फाइनली आप मुझे ये बताओ कि फर्स्ट जब आपको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्लैनेट आयुर्वेदा की तरफ से गई थी, तो उसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस आपको इंक्लूड थी? उसमें उन्होंने, क्योंकि मैं उन्होंने मेरे से पूछा था, तो मैंने जो सिम्टम बताए थे उन्हें उसके हिसाब से उन्होंने तो एक पित्ता बैलेंस दिया था, और डाइजेशन सपोर्ट दिया था, कुटज दिया था, और प्रवाल पंचामृत दिया था, और अर्जुना। तो कोई मेडिकेशन ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं था जनरली, क्योंकि हमारी सारी हाँ, मेडिकेशन जो है वो आफ्टर मील ही होती आफ्टर हैं, मील होती हैं। तो कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं थी जो आपको बिफोर मील एडेड नहीं, हो? बिफोर मील कोई मेडिसिन नहीं कोई थी, भी ऐसा मेडिसिन नहीं थी, नहीं, सारी मेडिकेशन जो है वो आफ्टर आफ्टर मील आफ्टर ही? मील थी। ओके, और डाइट आपको क्या? अच्छा, डाइट का मैंने वीडियो में ही, जब जो सर के वीडियो था उसी में डाइट चार्ट पढ़ा था, और मैम से भी पूछा था उन्होंने, तो उन्होंने सारी चीज़ें बता दी थी। एक डाइट चार्ट है भी आपकी वेबसाइट पे पूरा उसका, तो उसमें यही था कि कोकोनट वाटर जो है वो काफ़ी पिया। सर आप कुछ मतलब एक पूरा स्केड्यूल हमें बता सकते हैं फ्रॉम डाइट, कि आपने डाइट में क्या क्या चेंजेस किए, डाइट तो प्लस देखो आपने सर, अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस ये किए? था कि मान लो एक तो खाने का जितना भी था, जो जिस हिसाब से उसमें था कि ये चीज़ें अवॉइड करनी है, मान लो क्योंकि मैं पालक, मैं एक एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा था, तो पालक एक बार मैंने खाई थी तो उससे मुझे प्रॉब्लम बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने डॉक्टर से बात भी की थी अपना, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे तो कोई नहीं, हो सकता है आपको पालक से कोई प्रॉब्लम हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं पहले मुझे। फिर मैंने जब मैम यहाँ पूछा था तो उन्होंने कहा था हाँ पालक आपको अवॉइड करनी होती है उसमें बिल्कुल, तो वो भी अवॉइड किया था। फिर क्या कहते हैं, मीठा बिल्कुल, डेयरी प्रोडक्ट सारे अवॉइड कर चलो, दिए थे। चीजों को बहुत लंबा ना खींचते हुए, आप एक बेसिक अपनी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रूटीन बताओ। ब्रेकफास्ट में तो सुबह में जैसे केले खा लेते थे, खाली पेट या नाश्ते के ना बाद? मतलब खाली पेट भी ले लेते थे, कोई वो नहीं होता था उसमें, और नाश्ते में भी, नाश्ता होते ही वही था ठीक है, केले का ही और इनका कितने सबका, केले ले रोटी लेते थे आप एक बार में? केले 3 से 4 केले एक बार में खाता था मैं उस टाइम पे। ठीक है, फिर खाने स्टार्टिंग में तो सिर्फ दही और खिचड़ी खाई थी ओके, काफ़ी टाइम तक, मतलब 15-20 दिन तक लगातार, ठीक है, यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद। ओके, उससे फिर ये हुआ कि काफ़ी हद तक मतलब है बिल्कुल कंट्रोल में आ गई थी चीज़ें, ये नहीं हो रहा था, सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, एसिडिटी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अलोंग विद एलोपैथिक मेडिकेशन आपकी उसी हाँ, डोज पे चल रही उसी डोज थी? पे चल रहा था। ठीक है, तो फिर उनसे, डॉक्टर से जब बात किया, एलोपैथिक वालों से भी बात करते थे बीच बीच में, तो उन्होंने क्या सिम्टम जब उन्हें लगा, क्योंकि यहाँ से बात कम हो पा रही थी मेरी, मेडिसिन तो स्टार्ट हो गई थी बट बात नहीं हो पा रही थी यहाँ पे मेरी, क्योंकि उधर वो पास पड़ते थे डॉक्टर हमारे, तो उन्होंने उसकी डोज कम कर दी थी अपने आप ही, ये वाली चल रही थी साथ में, और उन्होंने निसाकुल की डोज उन्होंने कम कर एलोपैथिक दी। डॉक्टर्स ने हाँ, उन्होंने ऑलरेडी बस आपकी कम एक कर दी दो सुबह थी? वाली ख़त्म कर दी और अच्छा, एक शाम वाली कंटिन्यू रखी, एक शाम वाली कंटिन्यू वो रखी, लगातार लगभग कंटिन्यू रही 1 ईयर तक। ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, जब दोबारा सिग्मेंटोस्कोपी हुई तो वो क्लीन हो गया था सारा। ओके, मतलब सिग्मोइडोस्कोपी जो है आपकी पूरी ठीक आई थी हाँ, उसके एकदम बाद? क्लीन हो गई थी, बोले अब आप ओके, ठीक हैं, वो कितने टाइम के बाद हुआ होगा? मतलब वही 1 ईयर के बाद करीब। तो वो 1 साल, मतलब आप एलोपैथिक मेडिकेशन भी लेते रहे, एलोपैथिक आप और आयुर्वेदिक लगभग मेडिकेशन भी फोर्थ लेते से रहे। फिफ्थ मंथ ये ले चुका था मैं बीच में, अच्छा, एलोपैथिक के साथ साथ में फोर्थ तीन फिफ्थ मंथ ये ले चार चुके थे। पांच हाँ, महीने आप आयुर्वेदिक मेडिकेशन जो है वो ले ले रहे चुके थे, थे? तब उन्होंने कहा कि मतलब आपका ये जो है ठीक हो गया है, एक बार ट्राई करते हैं मेडिसिन बंद करने की, अगर दोबारा आपको हुआ तो फिर आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट उन्हें इसका मेडिसिन का पता नहीं, बताया नहीं था, अच्छा, मतलब आयुर्वेदिक मेडिकेशन का इन्होंने जो नहीं है अपने बताया था एलोपैथिक उनको, डॉक्टर्स को कोई नॉलेज नहीं। नहीं था कि वो हाथ आयुर्वेदिक मेडिकेशन जो है वो ले साथ रहे हैं में ले साथ में, रहे हैं? लेकिन इन्हें बताया था मैंने कि हाँ वो ले रहे हैं, उन्होंने बोला था कि आप लेते भी रहना, धीरे धीरे उसको बंद किया पड़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे बंद वही करते रहे, ये था, ठीक है, फिर जब 4-5 महीने बाद आपने मेडिकेशन एलोपैथिक टोटली बंद कर बंद दी कर दिया वो, और आयुर्वेदिक मेडिकेशन आप ले रहे थे, ये स्टार्ट रहा तो। ठीक बट है, फिर कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? ये कोई भी नहीं मतलब हुआ। आज प्रेजेंट टाइम से कितने महीने पहले की बात होगी? फरवरी की बात है, ये इस साल फरवरी की बात हाँ, है? फरवरी से अब इस टाइम तक एलोपैथिक सारा बंद है, टोटल चीज़ें बंद है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हों जो आपने अपनी डाइट स्पेसिफिक में चीज़ें इंक्लूड जैसे पता की? करने पे हुआ, जैसे मान लो कई बार कॉन्स्टिपेशन भी रहता है इसमें, अब कॉन्सर्टिकुलाइटिस में, तो ये पता, तो जैसे एक नारियल पानी तो पीते ही थे, साथ में जैसे जो कड़ी पत्ता है इसको भी यूज़ करना शुरू कर दिया था, जीरे का यूज़ बढ़ा दिया था खाने में, जीरा जो यूज़ करते हैं, अजवाइन भी थोड़ा लेने लगे थे, और ये सब चीज़ें बढ़ा दी थी खाने में, और स्पाइसेस जो हैं वो लाइट कर दिए थे, ऑयल ओके, कम बंद कर दिया था पूरी तरीके से लगभग। मतलब मिर्च मसाले जो होते हैं वो आपने हाँ, बंद किए थे बंद या किया, कम किए कम थे? कर दिए, अब तो जैसे अभी भी कम तो अभी भी हैं,
बिल्कुल बंद तो नहीं किए उस अच्छा टाइम भी, क्योंकि फिर तो खाना बिल्कुल बेकार लगने लगता था, इसलिए कम कर दिए थी, ये था। ओके बट ये इनका सिनेरियो है कि इन्होंने चलो स्पाइसेस कम किए बट स्टिल वो जो है उनके सिम्टम्स फ्लेयर अप नहीं हुए, बट जनरली सब पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि रेड चिलीज जो है आप उनका इंटेक बंद करें, ग्रीन चिलीज का इंटेक बंद करें, या मिर्च अदर तरीके के जो मसाले होते हैं जैसे गरम मसाला है, कोई चाट मसाला है, उसका जो है आप कंजप्शन बंद करें, तो काइंडली आप उस चीज़ को जो है वो सीरियसली लें। अलॉन्ग विद दैट जो करी लीव्स का सर ने बताया, करी लीव्स को लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उनको चबाएं ना, उनको आप खाने में इंक्लूड करें कि अगर आप जो है जैसे जीरे का तड़का लगा रहे हैं तो आप साथ में जो है वो करी लीव्स डाल सकते हैं। इसके अलावा सर आपने कुछ स्पेसिफिक चीज कोई अपनी डाइट में इंक्लूड की हो? स्पेसिफिक चीज़ तो यही है डाइट को, मतलब एक तो खाना जो है ना वो रात का खाना, जैसे काफ़ी लेट होता था जो मेरा, वो मैंने टाइम पे शुरू कर दिया था। मतलब कुछ लाइफस्टाइल पर्टिकुलर मॉडिफिकेशंस भी हाँ, की ये आपने? 7-8 बजे तक खाना करना पड़ा, और बाहर जैसे कैंटीन वेंटीन का खाना बिल्कुल बंद करके घर से टिफिन ले जाना शुरू कर दिया था ऑफिस के लिए? ऑफिस के लिए। ओके तो मतलब कुछ आपकी स्लीप साइकिल में भी चेंजेस आए हों? स्लीप तो स्टार्टिंग में तो नींद आती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब तो नींद आ जाती है 10-11 बजे तक लगभग। खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लेते हैं, उसके बाद लेटते हैं आके, थोड़ा बहुत देर व्हाट्सएप वगैरह चेक किया, फ़ोन रख दिया, तो आ जाती है 10-11 बजे तक अमूमन नींद। तो फिर सुबह योगा वगैरह के लिए भी जाते हैं, मतलब वो तो शुरुआत से जब से हुआ था प्रॉब्लम उसके बाद से ही जाने लगे तो थे। कुछ प्राणायाम या योगा की हाँ, आपने अनुलोम विलोम हो गया पर्टिकुलर? और कपाल भाती हो गया, कपाल भाती, लेकिन ये तो पता किया था उनसे, तो उन्होंने कहते कि बहुत तेज मत करना, हल्के हल्के लाइट में। ओके तो हाँ, मतलब तब से लेके अभी तक ये प्राणायाम की प्राणायाम दो टिप्स वगैरह आप कर ही रहे कर हो? रहे हैं। ओके तो जैसे कि इन्होंने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और डाइटरी मॉडिफिकेशंस एक यूसी पेशेंट को, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेम लाइफस्टाइल के साथ जो है वो चलते रहेंगे तो आपकी दिक्कत बढ़ेगी घटेगी नहीं। इसीलिए दोनों चीज़ें साइमेंटेनियसली जो है इनको आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से बैलेंस में लाना अपनी डाइट को भी और अपने लाइफस्टाइल को भी, इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट। सर अभी मतलब आपको आज जैसे आप क्लिनिक में आपने विजिट किया है तो आपको क्या गाइडेंस है डॉक्टर विक्रम की तरफ से? उन्होंने बोला है मतलब अब आप ठीक हो पूरी तरीके से, और मेडिसिन जो है वो 1 मंथ के लिए और बोला है, उसके बाद बोले दी बात मतलब धीरे धीरे सारी बंद कर देंगे। मेडिसिन तो लगभग अब पास सारी ही बंद हो चुकी हैं, कुछ एक ही दो मिनट एक मेडिसिन बची है, ये दो, बाकी तो सारा बंद है। उन्होंने बोला पूरी तरह से ठीक है अब, मतलब जैसे आप मतलब अपनी, कुछ टाइम आपको जो है वो ये हाँ वो मेडिकेशन? उन्होंने जैसे कि उसमें भी सिर्फ क्या कहते हैं वो वाली मेडिसिन तो बंद ही हो चुकी हैं। अब जैसे वेट गेन के लिए, वेट जो कम हुआ था उसमें वैसे तो काफ़ी ठीक हो गया है, बट और थोड़ा क्या कहते हैं वेट गेन के लिए बोल रहा है मैंने कि क्या कहते हैं वेट जो, तो वो उन्होंने कहा तो उसके लिए मेडिसिन उन्होंने दे दी है, बाकी सारी बंद है। ओके फाइनली वीडियो के लास्ट में मैं एक डाइटरी टिप जो है वो ज़रूर देना चाहूँगी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स को, कि वो अपनी डाइट में जो है वो गुलकंद डेली बेसिस पे एटलीस्ट ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। बट गुलकंद जो है वो फूड फैक्ट्री प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर फार्मेसी का होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको दूध पापेश्वर का अवेलेबल है आप उनका ले लो, या आपको पतंजलि का अवेलेबल है तो आप पतंजलि का गुलकंद जो है वो ले सकते हो। अलॉन्ग विद ये स्पेशल टिप उन्हीं अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट्स के लिए है जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट रहती है कि हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, हमें बार बार जो है वो पेट में बहुत ज़्यादा जलन रह रही है। और इस तरीके के पेशेंट्स के लिए जो है सिर्फ धनिए का डिकॉक्शन खाली पेट, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं जिनको रिपीटेड ये कंप्लेंट रहती है कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन रह रही है पेट में या बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, वो ये दो टिप्स जो हैं वो ज़रूर आजमाएं, आपको बहुत जो है वो रिलीफ मिलेगा। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक ओके, यू। थैंक यू।